हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कैसे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को, कल के वीडियो को पसंद किया। तो थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। और ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार देते रहिए और मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ ब्लॉग अच्छे अच्छे शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बोल रहे थे कि आप कुछ अपने बारे में बताइए। काफ़ी दिनों से बहुत लोग बोल रहे थे कि कुछ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, मतलब इंट्रोडक्शन। तो काफ़ी दिन हो गया था तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और अपना ये इंट्रोडक्शन वीडियो। और मैं जो हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मायके में कौन है, ससुराल में कौन है, कितने लोग हैं, क्या हैं, मतलब सभी कुछ मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें मैं सब अपने बारे में बताऊंगी, अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मेरे बारे में, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक वीडियो बनाइए अपने बारे में, ताकि हम लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और कहाँ रहती हैं, क्या है। तो चलिए मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अपना नाम। मेरा नाम तो आप सब लोग को पता ही है, पुष्पलता। और मेरा जो है पुष्पलता किचन फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल है आरिका मॉम लाइव ब्लॉग। तो जो उनको पता है, ये मेरा सेकंड चैनल है और ये आरिका मॉम लाइव ब्लॉग। तो ये चैनल जो है, ये मेरा और बेटी का चैनल है, मैंने अपनी बेटी के नाम से रखा है ये चैनल का नेम। और जो है मैं हूँ यूपी से और मैं रहती हूँ गुजरात में। और जो है यूपी में मैं वाराणसी के पास मेरा मायका है। और जो है मेरी शादी हुई है बरेली में, और लेकिन इनकी जॉब जो है पहले थी इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में हम 4 साल रहे थे, उसके बाद से ट्रांसफ़र हो गया था अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में जो है हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया है, 2005 से हम। तो गुजरात में हम जो है 2005 से हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और अब यहीं के हो गए हैं, ये समझ लीजिए आप सभी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा 15 साल का है, बेटी मेरी 5 ईयर्स की है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा मेरा बड़ा है तो वो जो है वीडियो में नहीं आता है। कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि आपकी एक ही बच्चा है, तो नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो ये भी आंसर आपको यहाँ पे दे देती हूँ मैं, और वो वीडियो में नहीं आना चाहता है, इसलिए वो मतलब इसलिए मैं उसको नहीं लाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा नहीं पसंद है, ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पसंद है, तो हस्बैंड को भी नहीं मैं लाती हूँ। तो ये जो मेरा चैनल है सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है, और हम दोनों ही इस चैनल में इसमें जो है हम एक्टिविटी करते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको मैं शेयर करती हूँ अपने बेटी के साथ। जितना भी हम कर सकते हैं, जो दिखा सकते हैं, वो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। तो आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपनी अपनी क्वालिफिकेशन बताना भूल ही गई, तो अभी मुझे याद आया तो बता रही हूँ। तो मैं जो हूँ पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किया है और मैंने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। तो और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा वो होते हैं, जैसे है कुकिंग है, पेंटिंग है, कढ़ाई बनाई, मतलब बहुत सारी चीज़ A to Z, वो सारी चीज़ें भी मैंने सब सीखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मेरे कुकिंग में भी आ जाती है। तो ये है मेरे, अभी चलिए मायके की बात कर लेती हूँ। तो जो मेरा मायके में मेरी बहुत छोटी फैमिली है, वैसे तो बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे बाबा 5 ब्रदर थे, लेकिन जो मेरे पापा हैं वो अकेले ही हैं। तो और मेरी एक बुआ है, बहुत छोटी फैमिली है। और मेरी बुआ के 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। और मैं जो हूँ, एक मेरा भाई है और मैं हूँ, मतलब दो ही हम हैं। और मेरे पापा भी 2 थे, 1 भाई 1 बहन। तो मेरी फैमिली बहुत छोटी है। और लेकिन वैसे जो कजिन हैं वो तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अपने जो रियल हैं वो बहुत छोटे, 1 ही हैं, 1 भाई और 1 बहन।
उसके बाद जो है मेरी जो शादी हुई थी वो 2002 में हुई थी और बरेली में हुई थी। और मेरा एक भाई है तो वो मुंबई में रहता है, और मेरी एक भतीजी है। तो इस तरह से मायके में मेरी इतनी फैमिली है, तो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और मेरा जो भाई है वो जॉब में है और मैं यूट्यूब पे हूँ। और बाकी मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं 2013 में, और वो जो है एक्सियन थे। और उसके बाद अभी पापा मेरे रहते हैं बनारस में ही। और मेरी मम्मी को अभी लगभग 1.5 साल हुआ है एक्सपायर हुए, तो उनकी जो है 1.5 साल पहले वो एक्सपायर हो गई थी। तो अभी मम्मी नहीं है मेरी, तो इस बात का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और वो तो सभी को होता है, माँ से ही मायका होता है। तो अभी तो मैं तब से गई भी नहीं हूँ। अब जाने का प्रोग्राम था, लेकिन एक जो कोरोना है उसकी वजह से शायद प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। अभी एक शादी थी मामा की बेटी की, तो जाना था, तो शायद मैं नहीं जा पाऊँ। तो ये है मेरी मायके की फैमिली। तो अभी जो है आप लोग सोचते होंगे कि मेरी ब्लॉग में मेरी फैमिली नहीं आती है, तो बहुत फैमिली भी कम है। और अभी किसी को पता नहीं है इस चैनल के बारे में कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसलिए अभी मैंने किसी को बताया नहीं है इस चैनल के बारे में। बहुत कम लोगों को ही, बहुत कम क्या मतलब फ्रेंड्स और यही लोग को पता है, यहाँ तक कि मेरे अभी को भी नहीं पता है कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। उनको किचन का ही पता है बस, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन मुझे शौक है, बेटी को भी शौक है, तो इसलिए मैं जो हूँ वीडियो बनाती हूँ। और मैं इसलिए भी बनाती हूँ कि एक हमारी जो है जो ये कि मतलब जो लाइफ है वो बाद में आरिका बड़ी होगी तो देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा। तो बस एक हमारी फिल्म जैसी यूट्यूब पे पूरा बन जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। तो अब मैं आपको ससुराल के बारे में बताती हूँ। तो मेरे ससुराल में मेरी 3 सिस्टर इन लॉ हैं, ये मेरे हस्बैंड अकेले हैं। और जो है मेरी जो ससुर जी हैं वो मेरे साथ रहते हैं, और मेरी सास भी, उनको अभी जुलाई में 2 साल हो जाएगा एक्सपायर हुए। मेरी मम्मी और सास दोनों लगभग 6 मंथ के अंदर चली गई थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गई थी। और बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। और मैं यूट्यूब पे बिजी इसलिए भी मैं बिजी रहती हूँ ताकि मेरा ध्यान नहीं इधर उधर जाए, तो बस इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम यूट्यूब पर देती हूँ बिजी, खुद को बिजी रखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ तो बहुत मतलब इसमें बिजी रहती हूँ तो अच्छा रहता है। और मेरी जो है एक बड़ी ननद है, उसके बाद ये है, उसके बाद 2 छोटी ननद हैं, तो मेरी 3 ननद हैं। और जो 2 बड़ी ननद हैं वो दोनों जॉब करती हैं, वो जो है गवर्नमेंट टीचर हैं दोनों दीदी। जो छोटी दीदी है वो मेरी जो है वो भी यूट्यूबर हैं, तो हम दोनों यूट्यूब पे हैं और बाकी उस सबकी जॉब है। और मेरे जो हस्बैंड है वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और वो मैकेनिकल इंजीनियर और MBA हैं, और अभी मैनेजर की पोस्ट पे हैं वो। तो अभी जो है मेरे ससुराल साइड में भी इस ब्लॉगिंग चैनल के बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ मेरी जो यूट्यूबर सिस्टर हैं उन्हीं को पता है। तो अभी हमने किसी को बताया नहीं है, इसलिए मेरी जो फैमिली है वो भी अभी ब्लॉग में, और अभी कोरोना के चक्कर में कोई आया गया भी नहीं है तो इसलिए भी नहीं पता चला है। और अभी जब अच्छे से चैनल हो जाएगा तो फिर बता देंगे। और इसीलिए मेरी फैमिली कोई भी नहीं जो है आती है, क्योंकि मैंने बताया नहीं है अभी तक किसी को इस चैनल के बारे में। तो मैं बस ऐसे ये बना लेती हूँ वीडियो, और ये मैं मतलब इसीलिए बना रही हूँ कि थोड़ा अच्छा लगेगा, आरिका बड़ी होगी देखेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था, और आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी अपनी जो है इंट्रोडक्शन देने के लिए, लेकिन वीडियो बना नहीं पा रही थी, थोड़ा लेट हो गया। तो बस अब आप सभी लोग जान लिए, और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आप सभी को। आप सब मेरी फैमिली हैं, तो फैमिली हैं तो आप सभी को जानने का पूरा हक है मेरे बारे में। तो बस
आज का मेरा यही ब्लॉग है, मिलती हूँ फिर मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था, और आप उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी अपनी जो है इंट्रोडक्शन देने के लिए, लेकिन वीडियो बना नहीं पा रही थी, थोड़ा लेट हो गया। तो बस अब आप सभी लोग जान लिए, और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आप सभी को। आप सब मेरी फैमिली हैं तो आप सभी को जानने का पूरा हक है मेरे बारे में। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग है, मिलती हूँ फिर मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।